आता बातमी येते बीड मधून। 15 दिवसांपूर्वी बीड शहरातील एका शिक्षकाचा दिवसा ढवळ्या खून करण्यात आला होता, त्यामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ माजली होती। अखेर मुख्य आरोपी अनवर उर्फ गुजर खान याला पोलिसांनी अटक केली आहे। खून करून आरोपी त्याच्या मित्राच्या सहाय्याने देशाच्या बाहेर पळून जाण्याचा बेत आखत होता, मात्र पोलिसांनी शिताफीनं आरोपीच्या मुसक्या आवळल्यात। पिछले महीने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के हद में गुना नंबर 403/19 रजिस्टर किया गया था। ये एक मर्डर का केस था, मर्डर विथ रायट। इसमें जो आरोपी थे उसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर था उसका नाम गुजर खान है, जो कि यहाँ का एक कुख्यात गैंगस्टर है। इससे पहले बीड़ ग्रामीण के हद में वो एक डकॉयटी के केस में भी एब्सकॉन्डिंग था। ये इस मर्डर के बाद से फरार था और इसे अरेस्ट करने में बीड़ पुलिस को बड़ी यश मिली है। 7 तारीख को उसे अरेस्ट किया गया है। इसे अरेस्ट करने के लिए 4 स्टेट्स में अलग अलग टीम्स डिप्लॉय किए गए थे, तेलंगाना में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। और इसकी जो मूवमेंट्स है वो गोपनीय रूप से ट्रैक की जा रही थी। पहले वो हैदराबाद गया, उसके बाद वहाँ से दिल्ली, फिर उसके बाद वहाँ से अजमेर, अजमेर से माउंट आबू की तरफ से होते हुए मेहसाना गुजरात, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर पुणे और फिर फाइनली उसे बीड़ में 7 तारीख को पकड़ा गया। ये जो टीम्स हैं वो उसे दो तरीके से ट्रैक करी थी, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे और दूसरा टेक्निकल भी। उसके 6 अलग अलग सिम कार्ड्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन निकाली गई और उसके बेसिस पर उसके मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए 7 तारीख को फाइनली उसे अरेस्ट किया गया। इस ऑफेंस में ऑलरेडी मोका का प्रस्ताव तैयार है, वो जल्दी भेजा जा रहा है। और इस प्रकार के क्रिमिनल्स, हार्डेंड क्रिमिनल्स जो हैं, उसे समाज से दूर रखना और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए बीड़ पुलिस जो है वो कटिबद्ध है। मैं ख़ास तौर से पूरे बीड़ पुलिस की तरफ से लोकल क्राइम ब्रांच और एंटी डकॉयटी स्क्वाड का अभिनंदन करना चाहूँगा, ख़ास तौर से API जादव का, जिन्होंने इन टीम्स को कोऑर्डिनेट किए और सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिसके वजह से ये यश मिल पाई है। मैं एक और आह्वान करना चाहूँगा बीड़ के जनता से। हमें ये माहिती मिली है कि जब ये फरार था उस दौरान उसने ये प्रयत्न की थी कि कुछ लोगों को कांटेक्ट करके उनसे खंडनी मांगे। अगर आपको इस प्रकार के कॉल्स आए हैं तो आप जल्द से जल्द पुलिस को गोपनीय रूप से ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो मुझे या फिर एडिशनल SP बीड़ को या फिर क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर को।